बिहार में महापर्व छठ की रौनक देखने को बन रही है और कल से विधिवत नहाए खाए के साथ महापर्व छठ की शुरुआत हो जाएगी। पटना में गंगा किनारे बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो है छठ मनाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं, लिहाजा सरकार जो है गंगा किनारे युद्ध स्तर पर छठ घाट के निर्माण में लगी हुई है। पटना में ऐसे ही छठ घाट का जायजा लिया है हमारे सहयोगी एसके राजीव। हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के राजापुर घाट पर। ये गंगा नदी है, तीन दिन बाद यहीं पर छठ होना है और युद्ध स्तर पे वार लेवल पे यहाँ पर जो है वो घाट की मरम्मती का काम चल रहा है लगातार। जो आप देख रहे हैं कि मशीन के द्वारा यहाँ पर घाट की मरम्मती की जा रही है ताकि जो छठ व्रती यहाँ पर आए उन्हें किसी भी तरीके की कठिनाई नहीं हो। हालांकि पटना में टोटल 100 घाट हैं जिसमें कि 22 घाट को चिन्हित किया गया है प्रशासन के द्वारा, जो काफ़ी खतरनाक घाट है और वहाँ पर लोगों से ये अपील की गई है कि वहाँ पर लोग उन घाटों पर नहीं जाएं और वहाँ जाकर छठ नहीं करें, क्योंकि काफ़ी दलदल है, क्योंकि गंगा में पानी बहुत ज़्यादा था इस बार। लिहाजा लोगों से ये भी अपील की गई है कि जो 22 जो घाट हैं जो खतरनाक है वहाँ पर लोग नहीं जाएं। देखिए यहाँ पर कई लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ तैयारियाँ हैं घाट को लेकर। घाट पर तो आने का रास्ता, यदि आप आए होंगे रास्ता इसी रास्ते से आए हैं तो रास्ता एकदम सुगम और अच्छी हालत में है। घाट पर आप कहीं भी पानी में ढूंक के किसी भी आदमी को कहिए हम ढुकवा देते हैं। एक ठोप न तो कादो है न कुछ, टोटल बालू ही बालू, टोटल बालू। किन्हीं भी पर्वतीन का पैर नहीं फंसेगा हमारे घाट पर। दूसरा अभी बल्ला गड़ा रहा है, उसके बाद इसमें जाल लगेगा, जाल लगाने के बाद इसमें झंडा और बैलून का ऐसे भी व्यवस्था की जाएगी। मतलब पूरी तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे हैं और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। अमित, यह बताइए कि जो लगातार जिला प्रशासन ये लोगों को अलर्ट कर रहा है कि 22 घाटे जो हैं वो काफी खतरनाक हैं, तो आपका ये घाट है किस तरीके से आप बना रहे हैं ताकि जो लोग आए यहाँ पर्व करने के लिए उनको कठिनाई ना हो। इस घाट पे स्पेशली यात्री शेड, जो रात में लोग रुकेंगे, लाइट की व्यवस्था, चेंजिंग रूम, बैरिकेटिंग ताकि पानी जो आगे कटाव ज्यादा है उसको देखते हुए बैरिकेटिंग की गई है। 4 फीट से ज्यादा हमारे बैरिकेटिंग में कहीं पे भी पानी नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं हो और घाट को हर तरीके से स्वच्छ सुंदर घाट को बनाकर इसको दिया जा रहा है घाट पर, और ये घाट कहीं से भी खतरनाक रूप नहीं है। तो देखिए बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो लगातार दौरा करते हैं, कम से कम छठ के पहले वो 2 बार खुद ही जाकर के देखते हैं कि घाट की क्या स्थिति है, और शायद यही वजह है कि इस बार जो प्रशासन है वो पहले के बनिस्पत ज्यादा जो है वो अलर्ट है। आप देख सकते हैं कि ये राजापुर घाट है, पूरी तरीके से यहाँ पर NDRF की टीम को भी यहाँ पर लगाई गई है ताकि किसी भी तरह की अगर अनहोनी हो तो उस अनहोनी से बचाया जा सके। यानी कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि प्रशासन की तरफ से या फिर राज्य सरकार की तरफ से सुरक्षा की पूरी व्यवस्था जो है वो की गई है, और एक दिनों के बाद कल से नहाय खाय कल से शुरू होगा, तो कल से विधिवत छठ की शुरुआत मानी जाती है। तो पूरी तरीके से पटना का जो घाट है वो सज धज कर अब तैयार हो रहा है और 2 दिनों के बाद छठ व्रती यहाँ आएंगे और छठ मैया का आशीर्वाद लेंगे। पटना से इसके राजीव R9.